पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी राजनीतिक साप्ताहिक ट्रैकर, क्योंकि इसी के जरिए हम उस पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं 2019 की रेस में, जिससे मोदी वर्सेस राहुल गांधी या तमाम अन्य पार्टियां क्या गुल खिलाएंगी, इसका आपको अंदाजा लगेगा। और इस बार बारी उस राज्य की जहां से देश के प्रधानमंत्री, बारी उस राज्य की जहां से निकली हुई जोड़ी को चाणक्य और प्रधानमंत्री की जोड़ी के तौर पर देखकर पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर होता है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। इससे पहले कि हम आपको दिखाएं प्रधानमंत्री के लिए लोकप्रियता इंडेक्स वर्सेस राहुल गांधी के लिए लोकप्रियता इंडेक्स क्या है, लोगों की राय, आपका परिचय मेहमानों से करा दें। जीवी नरसिम्हा राव सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। पवन खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं। हमारे साथ अरविंद सावंत जी सांसद शिवसेना के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। साहिल जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और उदय महुरकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही गुजरात और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से देखते और समझते हैं। तो आ गई है वो घड़ी, अब करिए मत इंतजार, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी क्या है लोगों की राय। गुजरात में जब हमने ये सर्वे किया तो सैंपल साइज आपको बता दें, और सैंपल साइज में जब हमने सर्वे किया तो डेट्स भी आपको बता दें कि आखिर कितने लोगों तक हमारा ये सर्वे पहुंचता है, कितने लोग इसमें भाग लेते हैं। तो कुल 26 के 26 संसदीय क्षेत्रों में हम पहुंचे, 3255 हमारा सैंपल साइज है, और 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में किया हुआ ये सर्वे है। अब आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी क्या कह रही है गुजरात की जनता, किसकी लोकप्रियता कहां पर पहुंची है, क्योंकि राहुल गांधी ने कड़ी टक्कर देने का श्रेय गुजरात में अपने ऊपर लिया, तो आखिर उनकी लोकप्रियता गुजरात में इस वक्त कहां है। ये देखिए, अक्टूबर में जहां 61% थी पिछले साल, वहीं जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 1% बढ़ के अब पहुंच गई है 62 पर। तो 61 से 62 यानी 1% का राइज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में, जबकि 28 पर 28 बने हुए हैं राहुल गांधी। लोकप्रियता उनकी देखिए अक्टूबर के महीने में, और अब हम आपको दिखा रहे हैं जनवरी के महीने में, दोनों ही जगहों पर 28% लोकप्रियता राहुल गांधी की गुजरात में बनी हुई है। केंद्र का कामकाज, जी हाँ, अगर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का इंडेक्स ये है तो उनके कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं गुजरात में, उनके गृह राज्य में जो 52% लोग अक्टूबर के महीने में थे, वही अब बढ़कर यहां जनवरी के महीने में 56% यानी 4% का इजाफा। यानी जीवीएल जी के लिए अच्छी खबर आ रही है, उनके चेहरे पर ला रही है मुस्कुराहट। अक्टूबर के महीने में असंतुष्टों की संख्या थी 22%, जो कि अब 17% रह गई है, जबकि ठीक ठाक वाले, इन पर रखिएगा नजर, क्योंकि 23% पहले थे, कुछ लोगों ने मन बना लिया, साफ कर दिया अपना पक्ष, और 20 पर अब ठीक ठाक वाले गुजरात में मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि हम सीएम के चेहरे पर जाएं, एक ऐसा मुद्दा जिसको विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सबसे ज्यादा उठा रहे हैं वो है राफेल। राफेल डील के बारे में क्या आपको पता है, जब हमने गुजरात की जनता ये सवाल पूछा तो 38% लोग कह रहे थे कि हाँ हम राफेल डील के बारे में जानते हैं। जब हमने बाकियों में आप देखिए 51% कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जानते हैं इसके बारे में। 51%, मतलब आधे से ज्यादा लोग पवन खेड़ा जी इसके बारे में नहीं जानते। अभी रुकिएगा, अभी आपकी राय इस पर लेंगे, लेकिन अब जल्दी से अपने दर्शकों को जरा यह भी बता दें कि क्या घोटाला हुआ था। घोटाला वाला सवाल सबसे बड़ा है। 21% गुजरात की जनता, प्रधानमंत्री के गृह राज्य की जनता जी वेल साहब कह रही है कि हाँ घोटाला हुआ है, जबकि 49 यानी 50% से 1% कम लोग कहते हैं कि नहीं घोटाला नहीं हुआ है। 21% पर भी रखिए नजर। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर। जब हमने ये पूछा लोकप्रियता के पैमाने पर सबसे लोकप्रिय कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा, क्या एक बार फिर से वही चेहरा जो मौजूदा मुख्यमंत्री यानी विजय रूपाणी, 48% थे अक्टूबर के महीने में, साहब गिर गए हैं 4% और पहुंच गए हैं 44 पर, उनकी लोकप्रियता घट रही है। वाइब्रेंट गुजरात समिट और उन सब के बीच आते हुए ये आंकड़े, 3% पर अक्टूबर के महीने में थी आनंदीबेन पटेल, और वो अब जनवरी के महीने में छलांग लगाती हुई 9% पर पहुंच गई हैं। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस पार्टी की तरफ से 11% पहले थे और अब वो हो गए हैं 8% पर। तो ये वो चेहरे जो आपने देखे। अब हम आपको बता दें अमित शाह, क्योंकि ये भी एक नाम गुजरात का, 3% लोकप्रियता
के पैमाने पर ये थे अक्टूबर के महीने में, 6% अब हो गए हैं जनवरी में। नितिन पटेल जो कि एक ऐसे चेहरे के तौर पर उप मुख्यमंत्री, उनका भी आपने आंकड़ा देख लिया। भरत सिंह सोलंकी का आंकड़ा देखिए, ये 6-4% पर लुढ़क गए हैं। तो ये है वो चेहरे जो दिख रहे हैं आपको। हार्दिक पटेल ये भी दिलचस्प है, चुनाव नहीं लड़े हैं लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर 3-1% और आगे बढ़ते हुए 4% पर इनकी लोकप्रियता पहुंची है गुजरात में लोगों के बीच में। अब आपको मुख्यमंत्री के कामकाज पर क्या है गुजरात की राय ये भी जरा दिखा दे। सबसे पहले देखिए संतुष्टों की संख्या 43 से 46 हुई है। उनका निजी लोकप्रियता इंडेक्स घट रहा है लेकिन उनके काम काज से संतुष्ट लोगों की संख्या में 3% का इजाफा है। असंतुष्ट वाले 27 से 26% हुए हैं जबकि जो लोग ठीक ठाक कह रहे हैं उनके कामकाज को, उनकी संख्या है 26 से घटकर अब 24% पर। तो यह है गुजरात के लोगों की राय अलग अलग चीजों पर, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। और अब मुद्दा जल्दी से आपको बता के चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आखिर गुजरात की जनता के लिए क्या है, जब ये सवाल हमने पूछा। देखिए रोजगार 30% लोग मानते हैं सबसे ऊपर रोजगार है, महंगाई का मुद्दा 21%, भ्रष्टाचार 20%, बहुत करीब है महंगाई और भ्रष्टाचार उनकी नजर में। कृषि 15% लोग इसे मानते हैं और पीने का पानी देखिए 10% लोग इसको मान रहे हैं। आपके साथ जीवीएल साहब शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जरूर इजाफा हुआ है लेकिन आपके मुख्यमंत्री साहब फिसल रहे हैं, क्या समझे कड़ी टक्कर यहाँ पर क्या कांग्रेस से मिलेगी आप? नहीं, 2-3% इस देखिए मुख्य जो इस सर्वे से जो निकल कर आता है मुख्य बात ये है कि भाजपा के आगे मोदी जी के आगे कोई विकल्प नहीं है, कोई हमसे लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। 28 बनाम 56 इंच की सीना का यही उदाहरण है और कहां राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस को हर लोकसभा चुनाव में करीब 40% से ऊपर वोट मिलता है और राहुल गांधी की लोकप्रियता 62 है नहीं, राहुल गांधी की जो 56 इंच के सीना पे आप इतना फूल जाते हैं सर, आंकड़े गलत, 6% आगे है, 62 आगे है। तो एक्चुअली जिस प्रकार और कांग्रेस पार्टी को उनकी जो वोट जितना है उतनी समर्थन भी राहुल गांधी को नहीं मिल रहा है, तो कांग्रेस के वोटर भी राहुल गांधी को अपना नहीं रहे, यही बड़ी बात है। जो 28% कांग्रेस को कभी गुजरात में नहीं मिला था, कम से कम 40% वोट मिलता है लोकसभा चुनाव में और आज राहुल गांधी उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं मेरे विचार से ये कोई नो कॉन्टेस्ट वाली चुनाव है, नो कॉन्टेस्ट वाली चुनाव है, 26 के 26 बरकरार रहेंगे गुजरात में, 26 के 26 बरकरार रहेंगे। पवन खेड़ा साहब, नहीं सपने देखने का अधिकार मेरे मित्र जीवीएल नरसिम्हा को है, पूरा अधिकार है। बात यह है कि ये कॉन्टेस्ट नरेंद्र मोदी जी का वोटर के साथ हो रहा है। आपने देखा पूरा गुजरात मॉडल का अब नाम तक नहीं लेते, मोदी जी स्वयं लेते नहीं है। गुजरात के इलेक्शन में हमने एक बार भी उनके मुंह से गुजरात मॉडल का नाम नहीं सुना क्योंकि गुजरात मॉडल की असलियत सबके सामने आ गई थी। अब वाइब्रेंट गुजरात समिट अभी चल रहा है जब हम बात कर रहे हैं, उसमें यूके और यूएस बाहर निकल गए कि हमें नहीं, यहाँ कोई लाभ नहीं मिलता। बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं, कोई निवेश नहीं होता। पाकिस्तान को आपने जरूर इस बार बड़ी लाल दरी बिछा कर रेड कारपेट वेलकम आपने पाकिस्तान को दिया गुजरात की सरकार ने, पता नहीं आपका क्या रिश्ता है पाकिस्तान से। तो गुजरात की कोई असलियत जो है सबके सामने आ गई है। आज जीवीएल बड़े अहंकार से बोल रहे हैं कि कोई सामने है ही नहीं। माफ कीजिएगा जीवीएल नरसिम्हा जी, मोदी जी के सामने देश का एक एक वोटर है, मुकाबला कर लीजिएगा, अहंकार के घोड़े से उतर के मुकाबला करिए, सामने नहीं सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। साथ है कह रहे हैं ये अरविंद सावंत जी, आपको क्या लग रहा है, आपको साथ दिख रहे हैं, पर हाथ भी रखिए, आप भी मोदी जी के सामने हैं। आप आपस में सबको मत भिड़ाइए सर, एक बार जरा अरविंद सावंत जी के पास चलते हैं, उसके बाद अरविंद सावंत जी जरा तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, वहां पर भी प्रधानमंत्री अपने मोदी कोट को सामने रख रहे थे और जीवीएल साहब ने पहले तो बीजेपी का नाम लिया लेकिन फिर अगली लाइन में मोदी जी पे आ गए, 1-10 मोदी। इसमें कोई शक, इसमें कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, सच्चाई से दूर भागते हैं दोनों भी लोग। सच्चाई ये है क्या इस तरह का सर्वेक्षण पहले नहीं हुआ है? किसी ने सोचा था शिवराज चौहान जी हार जाएंगे, किसी ने सोचा था रमन जी हार जाएंगे, क्या ये कहते थे कि राजस्थान मध्य प्रदेश हमारे हाथ से जाएगा? ये सारे सर्वेक्षण 56 से 62 62 से 26 कब होगा पता नहीं चलेगा। अपने देश में एक लहर सी उठी फिर आंधी निकल आती है, तो कोई भी अभी तो चुनाव दूर है,
ये जल्दबाजी हो रही है कि आज के दिन सोच लेना, तभी भी यही विषय को लेकर ये कहते थे तुम्हारे पास कौन सा चेहरा है छत्तीसगढ़ में, क्या हुआ, कौन सा चेहरा था कांग्रेस के पास, हरा ना। तेलंगाना में क्या हुआ, वहां तो गठबंधन था पूरा, प्रधानमंत्री ने वहां रैगिस कर ली, तो तेलंगाना में तो टीआरएस तो पहले से भी ज्यादा उछल कर आगे आ गई। ये सारी चीजें क्या बता रही है, ये गुजरात को लेकर पूरा उन्होंने कहा ना मॉडल, ये मॉडल मत बनाओ, अभी मॉडल नहीं रहा हो, ठीक है गुजरात में पॉपुलरिटी बड़ी नहीं बड़ी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, देश में क्या हो रहा है, और देश में जो सारे चुनाव हुए वो हर चुनाव बता रहे हैं कि अपनी पॉपुलरिटी घट रही है, उतना ही ध्यान में आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तुलना करने में मजा नहीं है, हम जानते हैं कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी बात करने में इतने माहिर है कि पूछो मत, तभी तो जुमला डाइजेस्ट कर देते ना हमें, हम लोगों को जुमला डाइजेस्ट कराने लगा ना, वो भी आसान बात नहीं होती ना, उसको भी अच्छा वकील लगता है, उसमें है राहुल गांधी जी नहीं जाते उतने उधर दम तक, तो ठीक है, लेकिन सच्चाई अरविंद जी आज तो समझ नहीं आ रहा सर, आप यूपीए की तरफ है कि एनडीए की तरफ है, तो बनावट कितना भी करो आप तो बहुत कम ही लाइव आते हैं, बड़ा अच्छा मौका है सर, सच्चाई की तरफ हूँ मैं, एक तरफ तो तस्वीर साफ कर दीजिए, है आप किसकी तरफ, राहुल की तरफ या मोदी की तरफ, है राहुल या मोदी, हम किसी की तरफ नहीं, हम देश की तरफ, दिख रहा है देश की जनता की तरफ है, देश की जनता के, किसी व्यक्तिगत किसी की तरफ नहीं बोला ना, नहीं नहीं सही में नहीं, अनुभव गलत है, हमारे अनुभव बहुत कड़वे हैं, वो नहीं देश को बताना है, जब हम देश की जनता की सोच रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जवान बढ़ रहा है, आज ही बोला आरएसएस के चीफ ने मंदिर की बात वैसे ही है, तो नए भैया जी जोशी बोल रहे 2025 में बनाएंगे, ये सारे जुमले देखो ना आप, जिसके एक चीज का रिफ्लेक्शन इसमें बड़ी की तुम्हारी है, उदय जी दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, कहा जा रहे हैं जो चीजें आज पवन खेड़ा जी सोच रहे थे कि मैं आगे बोलूंगा उससे पहले अरविंद सावंत जी ने बोल दिया, दोस्तों दोस्त उसी दोस्त है ना, इस ये जो आंकड़े बताए आपने अंजना, आपने जो आंकड़े बताए इसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट आ रही है कि एक हार्दिक पटेल नाम का एक फैक्टर था जो पटेल जाति के इर्द गिर्द जो फैक्टर था, वो फैक्टर अब यहाँ से बिल्कुल बैक सीट पे आ गया है, ठीक है, उसका भी इसके अंदर एक प्रतिबिंब है इस आपका जो आंकड़े हैं उसमें, आप देखें कि अक्टूबर में जो वहां पे वो उपवास में बैठे और सरकार ने उनकी एक शर्त न मानी, उनको उपवास पूरा करना पड़ा, एंड करना पड़ा, उसका भी प्रतिबिंब इसमें है, जो मार्क्स बढ़े हैं बीजेपी के अंदर उसका भी उसमें भाग है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो पटेल क्या वापस बीजेपी की तरफ चले गए हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल तब भी हमारे साथ, बिल्कुल पहले के मुकाबले मैंने 2000 जो लोग असेंबली में गुस्सा थे वो भी वापस आ गए हैं ये कह रहे हैं आप, काफी हद तक, क्या ये सही है साहिल, क्या ये सही है? इसके बाद में अन्य पॉलिटिकल मेहमान साहिल, क्या तस्वीर दिख रही है आपको इसके नजरिए से? देखिए विधानसभा चुनाव में जितना लग रहा था कि पटेल एजिटेशन से खास करके दक्षिण गुजरात में बीजेपी को नुकसान होगा, उतना नुकसान तो नहीं हो पाया, लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग बात है, खास करके वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बीजेपी को लगातार हर चुनाव में 49% तक वोट पड़ते आए हैं 2002 से, लेकिन इस बार भी 2017 के चुनाव में 49% वोट पड़ने के बावजूद उनकी सीट की संख्या कम हुई है, और 2014 में जब सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती थी तब उनका वोट परसेंटेज लोकसभा के लिए 60% तक पहुंच गया था, क्या 2019 में यह सिचुएशन है आज की तारीख में कि क्या बीजेपी की तरफ 60% वोट चले जाएंगे? एक वेव में 60% वोट पाना और एक आम चुनाव में 49% से ज्यादा वोट पाना यह बहुत बड़ी बात होती है, उससे बड़ी तो ऐसे में इस बार आम तौर पर उससे भी बड़ी 2014 से बड़ी, 2014 के बनाम 2019 में और बड़ी जीत होगी, और 26 के 26 कम से कम 62% वोट से जीतेंगे, या कोई कंटेस्ट ही नहीं है, जो कह रहे हैं नहीं आप कह रहे हैं रिवर्स वेव, ये एक ऐसी रिवर्स वेव चलने वाली है कि सब बह जाएंगे ये लोग, नहीं नहीं फिर रिवर्स वेव में तो राहुल पॉपुलैरिटी दिख रही है, सुनामी राहुल गांधी जी की घट रही है पॉपुलैरिटी, सब कुछ डुबा के बहा के ले जाती है, हमें तो मालूम है हमें क्या करना है, आपकी जो पोल खुलती जा रही है अब तो गुजरात में भी खुलने वाली है,
तो आप ज्यादा अहंकार मत दिखाइए कि कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस सर्वे को पहले तो आप इस सर्वे को आधार मानकर कह रहा हूं कहना कि कोई वहां की वास्तविक स्थिति को आधार बनाकर बता रहा हूं। वोटर को सबसे बड़ा मानिए, आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हमें वोटर को वोटर की बुद्धिमत्ता में है, वोटर आपसे और मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, अच्छे अच्छे लोगों को वोटर घर पैदल कर देता है। आप तो बोलिए मत, इसलिए आपको नहीं चुनता है ना, वोटर पैदल कर देता है, इसलिए कांग्रेस को नहीं चुनता है, इसलिए राहुल गांधी को नहीं चुनता है। बहुत अहंकारी हैं आप लोग, आपका एक मैंने कब कहा जनता वोट नहीं करती है, जितना अहंकार हमें 8-9 सालों में आया यूपीए 2 में आते आते, आपको 2 ही साल में आ गया। अरे 56 इंच हमें कोई अहंकार नहीं है, 56 इंच वाले को वहां की जो वास्तविक स्थिति है जो इस सर्वे को सर्वे में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं उसी पर बता रहा हूं। प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं काले कपड़े पहन कर मत आना, अपनी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को कहिए ये इंच टेप लेकर मत आना, साल जो परिस्थिति थी के 56 इंच की असलियत ना सामने आ जाए। हां अंजना, मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए दो पार्टी के स्पोक्समैन है, अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो 2017 का इलेक्शन मैंने कवर किया था उसके मुकाबले बीजेपी की परिस्थिति काफी सुधरी है। उसके कैसे पता चला आपको? मैं तो गुजरात जाता रहता हूँ, लोगों से बात करते रहता हूँ। तो आपको लग रहा है कि हार्दिक पटेल का, आप देखो ना, हार्दिक पटेल को एक भी शर्त माने नहीं सरकार ने, और हार्दिक पटेल को अपना फास्ट जो है उपवास का अंत लाना पड़ा। आप समझो, लेकिन हार्दिक का फायदा तो कांग्रेस को ही हुआ ना? नहीं, हार्दिक फैक्टर का वजन कम होना वो सीधा फायदा बीजेपी का है। ठीक है, अरे जीवीएल साहब, आप खुश होंगे ये तस्वीर देख के, पवन खेड़ा जी पता नहीं नाराज ना हो जाए ये तस्वीर देखे। पवन जी, खास आपके लिए, राहुल गांधी एट सोमनाथ मंदिर। मुझे बताइए सर कि इतने मंदिर, मतलब मध्य प्रदेश में तो चाहे महाकाल हो, चित्रकूट हो, पीताम्बर, हर जगह राहुल गांधी, और यहां पर भी सोमनाथ मंदिर वो जाते हुए वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन बताइए सर, ये मंदिर जाकर भी 28वें 28 फीसदी पर ही रह के क्या फायदा? देखिए, हमें महाकाल का आशीर्वाद मिला या नहीं मिला, और ये गुजरात में 99 के चक्कर में रह गए, 150 आएंगी। अमित शाह कहते हैं कि हम मिठाई नहीं खाएंगे अगर 150 से एक सीट कम आ गई, बढ़ गए 99 के चक्कर में। आगे आगे देखिए, महाकाल का आशीर्वाद बिल्कुल हमें मिला, मध्य प्रदेश में मिला, छत्तीसगढ़ में मिला, और सबसे बड़ी बात, वोटर का आशीर्वाद इनको अब नहीं मिलने वाला। हम आपके अमित शाह जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, लेकिन उन्हें अब मिठाई खाने का मौका 19 में हम नहीं देंगे, हम आपको ये वादा भी करते हैं, क्योंकि 19 में मिठाई खाने का मौका ही नहीं देंगे। जीवीएल साहब, जितने खुश हो रहे हैं सम्मान वाले लड्डू साहब, जिसके बाद आ रही हूँ साइलेंस, हमें इसकी आदत नहीं है, सारे मिठाई खाना कांग्रेस की आदत है, सरकार में बन के मिठाई खाना, मिठाई और मलाई खाना, ये सब आप करते हैं, हमें इसमें विश्वास नहीं है। हम गरीब जनता का सेवा कैसा करना है, हम उसी पर विश्वास करते हैं। आप मिठाई के लिए बहुत बेताब है, ये साफ दिख रहा है। देखिए आपने सारी असलियत सामने, हमें कोई मिठाई नहीं चाहिए भैया, हम मिठाई मिठाई और रफेल की और मलाई, हम इसके लिए चुनाव में नहीं है, हम इसलिए राजनीति में नहीं है। 41% आप तो बड़े आंकड़े के माहिर हैं जीवीएल जी, 41% ज्यादा कीमत देकर आ गए रफेल की, प्रधानमंत्री जी खुद जाकर, इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये देखिए, आप खुद ही आप हार्दिक को ही नहीं, रफाल तो फेल हो गया है, आपका रफाल का जो एजेंडा है पूरा फेल हो चुका है, कोई सुनने के लिए राहुल गांधी को आज सुनने के लिए तैयार नहीं है, खुद कांग्रेस ने भी इसको छोड़ दिया, क्योंकि आपको लग गया कि बहुत ज्यादा नाटक करने से इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये उल्टा बच सकता है। राफेल ने मोदी को फेल कर दिया, 41% ज्यादा कीमत देकर आए हो, ये हम नहीं कह रहे, आप अपना आंकड़े, आप इस प्रकार चोरी की, आप इस प्रकार देश के पैसा बचाने की बात आपके सरकार में करते तो आप इस प्रकार के रक्षा सौदे में कमीशन खोरों को आप समर्थन नहीं करते। जो नारा आपको पसंद नहीं आता ना, चौकीदार के बारे में अब तो अरविंद सावंत जी की जो खानदान के बारे में जो अच्छा नहीं लगता हो, हम चौकीदार के बारे में क्या बोलेंगे, आपके खानदान के बारे में क्रिस्टीन मिशेल ने क्या कहा, पूरे देश ने सुना है, चोरी पकड़ी गई, किस आपके नेता का नाम उन्होंने लिया है, देश ने देखा है, पकड़ा गया, तो मिसेस गांधी का नाम लेते हैं, मिसेस गांधी का नाम लेता है क्रिस्टीन मिशेल जी,
और राहुल गांधी का नाम आता है हर घोटाले में, स्टीलिंग हर घोटाले में इस परिवार का नाम आता है। तो इसलिए आप इंतजार करिए किस प्रकार आगे जाकर के आप पूरी एक्सपोज होंगे। ये पैसा किसको दिया, ये पैसा किसके रास्ते से आपके पास आया? मिशेल से जवाब पूछिए, आपको कमीशन नहीं मिला, यही आपकी दुख है ना, जनता जानती है। आपको कमीशन नहीं मिला जो क्रिस्टियन मिशेल के जरिए आप कमाना चाहते थे, आप दूसरे कंपनी को कमीशन, दूसरे कंपनी को टेंडर दिलाकर राफेल की चोरी पकड़ी गई, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे थे, कमीशन नहीं मिला, इसलिए राहुल नाखुश है। ये देश की जनता जानती है। पकड़े गए आपके नेता जमीन पर अरविंद सावंत जी, माहौल बन रहा है क्या राफेल पर? ठीक है, अब तो पेरिस में भी शोर है, चौकीदार चोर है, पूरे परिवार ही चोर है भाई। जो खानदान, जो पार्टी, जो चोरों की पार्टी है, हम पे क्या आरोप लगाएगी? अरे आपके साथी बोल रहे हैं, सावन जी बोल रहे हैं, जीवीएल साहब उनको तो सुनिए। भारत का जो भी बोले सावन जी, कहां अरविंद सावंत जी को बोल रहे हैं, गलियों में शोर, किस मजबूरी में? पवन जी मुझे पता है कि अरविंद सावंत जी के सुर आज मिल रहे हैं आपसे, अब उनको तो बोलने दीजिए थोड़ा। राफेल के बारे में हमने राफेल के बारे में जो भाषण लोकसभा में किया जी, उसमें मैंने शुरू में पहला मुद्दा उठाया था। जून 2015 में अपनी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, इस सरकार ने राफेल की एग्रीमेंट रद्द कर दी। क्यों कर दी रद्द? क्योंकि हमारे जो निगोशिएशन होने वाले थे, चर्चा होने थी, वो नहीं हुई, प्रक्रिया समाधानकारक नहीं हुई, इसके लिए राफेल को हमने छोड़ दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री फ्रांस में जाते हैं, सुरक्षा मंत्री साथ में जाते नहीं है, अंबानी साथ में जाता है, वहां वो शब्द देकर आते हैं, वो जबान रखने के लिए बाद में राफेल के साथ एग्रीमेंट होती है, वो एग्रीमेंट सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बिना होती है। देश की एक सिक्योरिटी जो आपको कैसा मालूम है क्या सुप्रीम कोर्ट ने सारे विषय को नहीं जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सीसीएस कैबिनेट आप बीच में नहीं बोलोगे, तो समझदार हैं अरविंद जी, आप काउंसिल की बात कर रहे हैं, दुलाई चावल की जैसे है ना। अरे नहीं सर, कैबिनेट में कुछ नहीं होता, कैबिनेट में मन की बात होती है, बाकी कुछ नहीं होता। एक आदमी के मन की बात होती है, बाकी किसी आप, की बात आपका मन दुख रहा है, हमें तो ये समझ में आ रही है। देश में भी शिवसेना के मन बहुत दुख रहा है, सत्ता में जूनियर पार्टनर बनने का बहुत दुख है आपको, हम जानते हैं, यही दुख बोलता है बार बार आपको, आपको जूनियर पार्टनर बनने का बहुत दुख है। सच्चाई से भागने रह रहे हो, सच्चाई से भाग रहे हो, सच्चाई से भाग रहे हो। सच्चाई क्या है, आप तो जूनियर पार्टनर है ना, आप महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर है, इसलिए आपको ये बात दुखती है। ठीक है, वो बोलने में हारे हुए मानसिकता से आप राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। अरे भाई जी, वो बोलने में फौरन जवाब दूंगा, मेरा वादा है। राहुल गांधी रहने तो बाजू में, तुम्हारी पार्टी महाराष्ट्र में थी क्या? ये बाला साहब के आशीर्वाद थे तभी तुम्हारी पार्टी महाराष्ट्र में बड़ी बनी। जनता ने बताया हम कहां हैं, ये भी घमंड निकल जाएगा, ये भी घमंड उतर जाएगा, और देखना बताएगी और अभी जनता और बताएगी, इतनी घमंड है ना उतर जाएगी, जैसे राजस्थान में उतरी है ना, छत्तीसगढ़ में उतरी है ना, तेलंगाना में उतरी है ना, मध्य प्रदेश में उतरी है ना, यहाँ भी घमंड उतर जाएगी। अब रही बात राफेल की पूरी बात सुन लो, और मैं जो बोला हूँ पार्लियामेंट में बोला हूँ, कागज लेकर बोला हूँ, प्रूफ लेकर बोला हूँ, समझे आप, ऐसे नहीं हवा में तीर मारे मैंने। इसके बाद में वो काउंसिल राहुल गांधी की तरह अप्रूवल के बाद में फिर तय हुआ, फिर कहा कि राफेल बहुत अच्छा है, अगर राफेल अच्छा है तो भाई 36 क्यों ले रहे हो, 126 गुजरात चले जाना चाहिए, बेचारे हमारे जवान मांग रहे हैं राफेल चाहिए तो 2000 हो गए, इतने कम क्यों मांग रहे हो, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका जवाब क्या? अच्छा ऑफसेट कंपनी कौन? अंबानी। अरे अंबानी कहां से आई? ऑफसेट कंपनी, जिसकी कंपनी कागज पे है ना, कारखाना है, एचएल का आदमी खुद कह रहा है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। साहिल देखिए, अभी महाराष्ट्र के आंकड़े हम दिखाने वाले हैं, लेकिन लेकिन ये सब बनाने के बाद भी आपने अंबानी को दे दिया, बीजेपी के सांसद पीएससी में आमने सामने, साहिल रुकिएगा, चलो कांग्रेस भ्रष्ट है। अरविंद जी, अंजना जी, एक अंजना जी एक वाक्य पूरा करता हूँ, अंजना जी एक वाक्य पूरा करता हूँ, मैंने ये कहा था हाँ। कि ये कांग्रेस दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, हम सदाचारी है, हम क्यों डरते जेपीसी से? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लगे ना इंक्वायरी, क्या डरने का? आप सच्चे हो ना, डरते क्यों?
क्यों डर रहे हैं सर? अच्छा देखिए बीपीसी से क्यों भाग रहे हैं? आप समझिए ना सर इसकी गंभीरता। एक बार अंबानी का नाम आ गया शक की निगाह आ जाती है। ऑफसेट ही सही, हम समझ रहे हैं आपकी बात, ऑफसेट ही सही। मैं जो 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 लोग बहरे बनने चाहते हैं, सच्चाई को नहीं देखना चाहते हैं, अंधा बनना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बात को नहीं सुनना चाहते हैं, तो उनसे क्या बहस करना है? जिनका मन दुख है, जिनका मन दुखी है, जो कांग्रेस के राहुल गांधी की हारे हुए मानसिकता के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसलिए इस प्रकार की बात कहते हैं। इसमें क्या इन अपने ही सुप्रीम पार्लियामेंट में इन सभी विषयों पर चर्चा हो गया था? मैंने बीच में नहीं बोला, थोड़ा इनको लगता है जवाब दे दे। गुजरात पर भी तो कंक्लूजिंग टिप्पणी लेंगे, फिर महाराष्ट्र की बारी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने किया है मोदी जी की हिम्मत है जवाब देने की, ये उन सबसे बड़े हो गए। अरे तमाचा तो जनता मारने वाली है, बोखला है, क्यों है जो मेरे बात को नहीं सुनना चाहते? उन्हें डरे हुए क्यों है? इतने बुजदिल क्यों है? गाल लाल हो जाएंगे क्यों इतने डरे हुए? इतना तो रफेल की दलाली से लाली नहीं आई होगी, उतना इन तमाचों से आएगी। नहीं सारे दलाल परिवार, दलाल आपकी पार्टी है, पूरे देश जानता है, विश्व में मशहूर है गांधी परिवार दलाली करने के लिए। इतने बुजदिल क्यों हैं? गाल लाल हो जाएंगे क्यों इतने डरे हुए? इतना तो रफेल की दलाली से लाली नहीं आई होगी, उतना इन तमाचों से आएगी। नहीं सारे दलाल परिवार, दलाल आपकी पार्टी है, पूरे देश जानता है, विश्व में मशहूर है गांधी परिवार दलाली करने के लिए, चोरी करने के लिए, क्रिस्टियन मिशेल जैसे चोरों के साथ समझौता करने के लिए, आपके परिवार रिश्ता है क्रिस्टियन मिशेल के साथ, अब हमें क्या नसीहत देंगे? क्रिस्टियन मिशेल और उनके पिताजी के साथ नाता, बहुत नाता रिश्ता है उनका, शिवसेना माना, क्रिस्टियन मिशेल मामा, आप रक्षा सौदा में पैसा खाते हो, परिवार को राहुल गांधी पले पले हैं, तो आप हमें क्या नसीहत देंगे? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हो, जनता जान रही है के साथ आपकी हार की दुख के कारण, तो आप क्या अपने ही पार्टनर को आंखें दिखाओगे? प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप, और इस पर एक सेकंड, राहुल गांधी ने हर वक्त पर संसद में सीधे नरेंद्र मोदी को इस पर घेरा है। आप दोनों से जल्दी जल्दी एक रिएक्शन साहिल शुरू करते हुए। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स देखिए, पहले से ही पीएससी में उजागर हो गई है, आमने सामने सांसद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के प्रवक्ता नहीं सीधे सांसद। लेकिन साहिल क्या ये वाकई जमीन पर है या ये हवा, ये गर्मी सिर्फ राफेल पर टीवी स्टूडियोज में ही है? क्योंकि 49% ने कहा कि हम राफेल के बारे में जानते ही नहीं। नहीं बिल्कुल सही है, राफेल की जो पूरी गहमा गहमी है वो उन्हीं वोटर्स के लिए या उन्हीं लोगों के लिए जो टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन पर राफेल समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि डिफेंस डील्स में इस तरीके से बातें होना या किसी भी तरीके से घोटाला होना, ये भारत जैसे देश में अब कोई नई बात रही नहीं है, सालों से लोगों को पता है। और कोई भी डिफेंस डील उसी नजर से आज की तारीख में वोटर्स देखते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन रही बात, एक बहुत दिलचस्प चीज यहां पर निकल के आ रही है, जो 2000 एक तरीके से जिसको कहते हैं कि डेजा वू, 2004 में भी वाजपेयी के रेटिंग्स बहुत अच्छे थे। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे ज्यादा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त में, सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे। लेकिन आखिरकार जब लोग वोट देने जाते हैं तब वो देखते हैं, खास करके 5 साल की सरकार होने के बाद की गवर्नमेंट की पॉलिसी। चलिए ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद महाराष्ट्र दिखाएंगे। लेकिन साहिल आ रही हूं, एक इन आंकड़ों के साथ आपको छोड़ जाती हूं। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला ग्राफिक्स दिखाते हुए जाइए, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जरिए भी ये कहा गया कि कांग्रेस के एक नेता को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगा। लेकिन देखिए गुजरात की राय है कि पर्यटन विकास के लिए कदम है 37% और 45% इस पर गर्व महसूस करते हैं। फिजूल खर्च वाले कितने हैं वो आंकड़ा भी 16% का आपके सामने। अब बारी है महाराष्ट्र की, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वर्सेस राहुल गांधी। जो सर्वे हमने किया 48 संसदीय क्षेत्र सभी में गए, 5200 सैंपल साइज है हमारा, और 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में किया गया ये सर्वे है। अब आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की लोकप्रियता में क्या है महाराष्ट्र की जनता की राय, कहां पर कौन खड़ा हुआ दिखाई देता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता
जो 62% हमने आपको गुजरात में दिखाई है, वैसा ही कोई आंकड़ा महाराष्ट्र से आता है या यहां पर राहुल गांधी के लिए तस्वीर अच्छी होती चली जा रही है। और अब तो हम आपको अक्टूबर वर्सेस जनवरी दिखा रहे हैं, 47%, जहां प्रधानमंत्री की लोकप्रियता थी अक्टूबर 2018 में, इस साल जनवरी आते आते 1% का इजाफा हुआ है और वो 48% पर पहुंचे हैं। तो इन दोनों ही राज्यों में लोकप्रियता में प्रधानमंत्री के इजाफा हुआ है, लेकिन बहुत मार्जिनल है महाराष्ट्र में। अब अक्टूबर में जहां राहुल गांधी की लोकप्रियता 31% पर थी, पवन खेड़ा जी ये आंकड़े बता रहे हैं 29% उनकी लोकप्रियता जनवरी के महीने में अब वहां पर रह गई है, यानी महाराष्ट्र में। अब हम आपको ये भी बता दें कि केंद्र के कामकाज पर महाराष्ट्र की जनता की राय आखिर क्या है, क्या सोचते हैं वो इस पर। तो देखिए, अक्टूबर के महीने में 43% संतुष्ट थे, अब 45% लोग संतुष्ट हो गए हैं जनवरी। अब यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि यह 10% आरक्षण के फैसले के बाद है। मुझे तो लगता है यह एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसके साथ हम पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे, क्योंकि आर्थिक आधार पर अगर जनरल सामान्य कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण के फैसले के बाद, उसके ऐलान के बाद ये आंकड़े आ रहे हैं, तो उस नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है। 31% जहां पर असंतुष्टों का आंकड़ा था अक्टूबर में पिछले साल, वो अब 33% हो गया है असंतुष्टों का आंकड़ा, यहां पर भी इजाफा है। 23 कहते थे ठीक ठाक, अब 20 कह रहे हैं ठीक ठाक। अब आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि आखिर राफेल के मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता की राय क्या है। हालांकि राफेल पर एक विस्तृत चर्चा आपने देख ली है, वही मुद्दे हैं जो घूम फिर कर पहुंच रहे हैं, पर यहां पर हां कहने वाले हैं 23% जो जानते हैं राफेल डील के बारे में, जबकि नहीं जानने वालों का आंकड़ा है 63%। गुजरात से कहीं ज्यादा लोग महाराष्ट्र में ऐसे मिले जिन्होंने कहा हमें डील के बारे में पता ही नहीं है, घोटाला हुआ है, ये सवाल भी हमने पूछा। क्योंकि पहले तो डील के बारे में, उसके बारे में लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, उसको समझना जरूरी है। लेकिन अब हम आपको मुख्यमंत्री का आंकड़ा दिखा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन बने। जब ये सवाल हमने पूछा तो देवेंद्र फडणवीस 2% नीचे आए हैं, अक्टूबर के महीने में 39 थे देखिए, और फिर 37% पर उनका आंकड़ा गया है जनवरी के महीने में। तो मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी सी फिसली है। उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता 17% थी अक्टूबर के महीने में, अब जनवरी आते आते 2% ये भी लुढ़के हैं। शरद पवार की लोकप्रियता भी 1% गिरी है और 16 से ये पहुंच गए हैं 15% पर। अगला चेहरा दिखाइए अशोक गहलोत चव्हाण का, माफ कीजिएगा, अशोक चव्हाण का 7% से इनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और ये देखिए अब 10% पर पहुंच गए हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है अशोक चव्हाण का चेहरा। नितिन गडकरी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है, हालांकि इनके सुर आजकल बड़े आपके विरोधी हो गए हैं जीवीएल साहब, लेकिन कहीं उसी से तो लोकप्रियता 2 से 8% नहीं हो गई है, ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। अजीत पवार देखिए 5 से 7% हो गए हैं अजीत पवार। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि शरद पवार और उनकी पार्टी में यहां पर एक उछाल देखने को है। राज्य सरकार के कामकाज के पैमाने पर जब हमने लोगों से सवाल पूछा तो 37 से 41% पर संतुष्ट, ये भी मतलब कैरिज्मेटिक है, क्योंकि आपने गुजरात में भी यही देखा, कामकाज से संतुष्टों की संख्या बढ़ी है, असंतुष्ट की भी संख्या यहां पर बढ़ गई है, लेकिन लोकप्रियता जो है मुख्यमंत्रियों का वो थोड़ा सा नीचे गिरा है, ठीक ठाक वाले 28 से 20% हो गए हैं। जल्दी से आपको मुद्दे दिखा देते हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। गोवा की भी बारी है, इंतजार कीजिएगा, गोवा भी एक इंटरेस्टिंग स्टेट, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी यहां पर देखिए पहले महाराष्ट्र में 25%, रोजगार देखिए रोजगार नौकरी जीवेल साहब पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, पीने का पानी 21% लोग मानते हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है, 20% लोग महंगाई को अभी भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी है, 18% कृषि किसान कर्ज माफी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण बन गए थे, भ्रष्टाचार 7% और इसके बाद अंत में स्वच्छता 6% लोग इसको महत्वपूर्ण मुद्दा मान रहे हैं। तो ये हमने आपको मुद्दा दिखा दिया, अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अभी भी है लेकिन आधे पे और भी 50 पर भी यहां नहीं पहुंचे हैं महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जीवीएल साहब। ठीक है, अभी 4-5 महीने का समय है, हाँ। और मुझे लगता है चुनाव आते आते ये ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, हाँ। और मूल रूप से महाराष्ट्र में ऑलवेज एक कंटेस्ट रहा है, कभी भी एनडीए को 50% वोट नहीं मिला है। ये सबसे आपको टोक रही हूँ मैं, 10% आर्थिक आधार पर जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण देने के बाद के आंकड़े हैं ये, फिर भी लोकप्रियता में वैसा इजाफा नहीं, गुजरात में जरूर है लेकिन यहां पर नहीं है, इसका क्या मतलब? लेकिन देखिए 45% का रेटिंग, कांग्रेस कहती है ना कि लास्ट में 3 महीने में जो किए उसका कोई अंतर नहीं पड़ता, तो 40 ये कौन कह रहा है,
कांग्रेस कांग्रेस थोड़ी अर्थशास्त्र को कांग्रेस कोई चुनावी शास्त्र लिखने वाली पार्टी है क्या? कितने चुनाव क्यों हारे फिर? इतने इतने शास्त्री है तो जीतना चाहिए था उनको, तो इसलिए उनके इस प्रकार के चुटकुले पर हम कुछ बोलते नहीं है, बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन 45% वोट शेयर मिलना, 45% वोट शेयर मिलना महाराष्ट्र जैसा प्रदेश में, मैं मानता हूँ ये बड़ी उपलब्धि होगी। यदि ये चुनाव डायरेक्ट होता है एनडीए वर्सेस यूपीए, हम कम से कम इस बार 45 सीट जीतेंगे महाराष्ट्र में। 48 में यदि नहीं हुआ तब भी हम 40 से कम नहीं जीतेंगे। ये इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कहीं शिवसेना दिखाई नहीं पड़ रही है, शिवसेना बहुत छोटी पार्टी के रूप में इस सर्वे में दिख रही है। एक बार खेड़ा जी रिस्पॉन्ड कर ले उसके बाद उदयजी। खेड़ा जी अंजना जी, अरे सर मोदी जी हर जगह बढ़ रहे हैं, क्या बात है, इतना मुस्कुरा रहे हैं। लाल बने उनके सब लोग भी मुंगेरी लाल बन के निकल जाएंगे। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ जीवीएल की बातें सुनकर, 48 में से 45 ले जाएंगे, 50 क्यों नहीं ले जाएंगे 48 में से। चले थे मोदी जी जवाहरलाल बन के, मुंगेरी लाल। अब छोड़िए इनकी बातें, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी कहते हैं अगला प्रधानमंत्री मराठी होगा। गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग संघ परिवार के महत्वपूर्ण लोगों ने करनी शुरू कर दी है, तो पहले तो इन्हें बोलिए अपने प्रधानमंत्री को संभाले, फिर बात करें 48 में से 52 ले आएंगे, 45 जीतेंगे, ये जो है ना 300 सीट लेकर के मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप अपने बारे में बोलिए, किस्मत आपके बारे में बोलने के लिए कुछ है नहीं आपके पास। और अपने पार्टनर के खिलाफ इतना क्यों है आप? अपने शिवसेना को गाली दिए थे, देते चले जा रहे हैं, क्यों शिवसेना के आप इतने खिलाफ हो? अभी तो आपके पार्टनर हैं वो, या निकाल बाहर करिए और हिम्मत दिखाइए यहाँ से बोलने की कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। बहुत ज्यादा आप पे अहंकार है, यहीं से बोलिए कि महाराष्ट्र से लेकर और कन्याकुमारी तक सब जगह आप अकेले चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत है तब बात करिए। हर जगह आप कौन होते हो हमें हमें नसीहत देने वाले? आपको सब लोग नकार रहे हैं, बताइए। राहुल गांधी को हर कोई बाहर रख रहा है, यूपी में आपको बाहर रखा गया, अब दिल्ली से भी आपको बाहर रखा जा रहा है, आंध्र से आपको बाहर रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अलग थलग बन गई है, पूरी तरह आप अलग थलग बन गए हैं। राहुल गांधी पैरिया बन गए हैं, पॉलिटिकल पैरिया, कोई नहीं चुनना चाहता है राहुल गांधी को। आप अपने बारे में बोलिए, बेचारे पढ़े लिखे आपको आपको हर कोई योग्य अरविंद सावंत आपको आपको छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी भी आपको साथ रहने पार्टनर को भी नहीं खिलाया और पार्टनर को अब हमें क्या बोल रहे हैं? अरे हमने देख लिया आपको, आपको आंध्र से बाहर कर दिया, उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया, अब कितने राज्यों से आपको घसीट लेंगे बाहर? पूरे देश में आपको लात लगाने को तैयार हैं। ठीक है, एक सेकंड, पार्टनर समझदार है जो आपको छोड़ रहे हैं। खेड़ा साहब, अब जरा मुझे एक बार अरविंद जी के पास जाने दीजिए। अरविंद जी, आपके लिए थोड़ा अलग किस्म का सवाल मैंने सोचा है, सर मुझे समझा दीजिए, देश भी समझना चाह रहा है। सुनिए प्रभु, सुनिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका और बीजेपी का? जो रिश्ता है ये रिश्ता क्या कहलाता है सर, जरा समझाइए इसको, थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट कीजिए हमारे लिए। मतलब सामना में सुबह सुबह खोलिए हाहाकारी मोदी के खिलाफ, सरकार में शामिल सर, कर क्या रहे हैं आप लोग, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अंजना जी, हाँ सर। अच्छा अंजना जी, पहले मुझे उनके सवाल के जवाब तो देने दो। ये जो हमारे मित्र है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत घमंड अभी होनी है उनको, छोटी पार्टी है, आपसे बहुत कम है जी, पार्टी है, जूनियर पार्टनर है वो। हनुमान जी ने उंगली पे पर्वत उठाया था, याद है? यही उंगली है जिस उंगली ने मोदी जी को संभाला। अगर बाला साहब के आशीर्वाद न होते तो मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री न होते। इन्हीं की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को, बाला साहब तो सुषमा जी को आशीर्वाद दे रहे थे, कहां है सर आप? याद है ये जो घमंड से बात कर रहे हैं? नहीं कि बाला साहब ने तो सुषमा स्वराज जी को आशीर्वाद दिया था। अभी ये सच्चाई देश को भी नहीं, पहली बात तो वो नहीं बात कर रहा हूं मैं, वो दूसरी बात है। ये प्रधान, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाने जा रही थी, और हटाने के लिए वो जब उन्होंने वो उस वक्त का हमारा रिश्ता परिवार के जैसा था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मुस्कुराते अटल बिहारी साहब ने बाला साहब नहीं, बाला साहब के कहने पर भगवान की दया से अभी भी क्या बात कर रहे हैं हमारे आप, हमारे बाला साहब का सम्मान करते हैं, अडवाणी जी है, इसका मतलब ये नहीं आप हर कोई हर हमारी जीत के लिए श्रेय आप लेकर चले जाए। मेरे बीच में नहीं टोकना, बहुत घमंड है तुम्हें ना,
तो भैया घमंड बहुत है और तुम्हारे पार्टी को है भाई, न जानते हो आप कुछ इतिहास, आप क्या बोलते हैं क्या लिखते हैं। अडवाणी जी और हमारे साथ गठबंधन में बने हुए, अडवाणी जी अभी ये जानबूझकर बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि इनको सच्चाई लोगों तरफ की जानी नहीं चाहिए इसलिए कोशिश कर रहे हैं। अडवाणी जी मुंबई में आए, बाला साहब से मिले और कहने लगे कि हमने ये निर्णय किया है कि मोदी जी को हम राज्य मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं। याद है वाजपेयी जी बोले थे राजधर्म का पालन हो, तभी बाला साहब ने दोनों को कहा कि मोदी जी को हटाएंगे तो मोदी गया तो गुजरात गया, तभी मोदी जी मुख्यमंत्री पद पर रहे, नहीं तो आगे जाके प्रधानमंत्री का सपना ही मत देखना था। जो बाला साहब के जमाने में था उसके आधार पर आज की राजनीति नहीं लड़ी जा सकती है, शिवसेना को समझ में आना चाहिए। दूसरी बात यह कि अरविंद, एक तरफ बीजेपी को जिस तरीके से अलायंस की जरूरत है, खुद अरविंद सावंत से आप उनको भी अलायंस की जरूरत है, उनके खुद के चुनाव क्षेत्र में से, तो कहीं ना कहीं शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता इस तरीके से बन चुका है कि एक दूसरे के अलावा उनका काम नहीं चल सकता। लेकिन आज की स्थिति में कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, देवेंद्र फडणवीस ने जो गवर्नेंस दी है अभी आप गए 4-5 साल के अंदर, वो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है। कॉमन लोग आप घूमे वहां पे, उनकी एक वाटर रिचार्ज की योजना है, बहुत अच्छी काम कर रही है। और दिल्ली के अंदर भी जो सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, उनका भी मानना है कि देवेंद्र फडणवीस का जो एक रिकॉर्ड है गवर्नेंस में काफी अच्छा है, स्कीम्स लास्ट माइल पे पहुंच रही है, उसका भी प्रतिबिंब इसके अंदर है ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आपके सर्वे में। और अब बात गोवा की पीएससी में करते हैं, गोवा के आंकड़े आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, लोकप्रियता का पैमाना, लोकप्रियता इंडेक्स क्या है, क्या कह रही है गोवा की जनता, अगला प्रधानमंत्री कौन हो, ये सवाल जब हमने गोवा की जनता से पूछा है तो देखिए 40 अक्टूबर में थे 41%, 1% का इजाफा नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में यहां गोवा में भी हुआ है, और राहुल गांधी के लिए 3% का इजाफा हुआ है, ये भी इंटरेस्टिंग है, 37% से 40% पर पहुंचे हैं। केंद्र का कामकाज भी आपको दिखा देते हैं, अगला आंकड़ा जल्दी से दिखाइए सामने, केंद्र का कामकाज और उससे कितने लोग संतुष्ट कितने लोग असंतुष्ट, तो संतुष्ट वालों की संख्या में इजाफा हुआ है 3% का, असंतुष्ट दिखा दे जल्दी से एक रिएक्शन सर, यहां पर राहुल गांधी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जीवेल जी देखिए, किसी एक राज्य में गोवा जैसे बड़ा प्रदेश में यदि राहुल गांधी का 2-4% बढ़ता है तो मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, बट लेकिन गोवा में भी क्योंकि हमारे नेता काफी समय से अस्वस्थ रहे हैं, पवन जी को भी दिखाइए साथ में, उसका कुछ लाभ कांग्रेस को हुआ होगा। अरे पवन जी अभी तो वो खुश होकर स्वागत कर रहे हैं, देखिए वो कम से कम सर्वे को डिनाई नहीं कर रहे हैं। जीवीएल साहब मैं सर्वे पर कोई आंच नहीं, एक एक वोटर महत्वपूर्ण होता है, एक एक बिल्कुल होता है भाई, मैं कहां मना कर रहा हूँ, कैसे उड़ा रहे हैं आप, किसी भी शर्म आनी चाहिए आपको, मैं कम करके नहीं आंक रहा हूँ, मैं इस सर्वे का महत्व बता रहा हूँ, दो प्रदेशों में हम आगे हैं, बहुत आगे हैं, सम्मान नहीं है महाराष्ट्र और गुजरात, शर्म आनी चाहिए गोवा में आपको, अब शर्म क्यों आनी चाहिए भाई, लेकर राज्यसभा आपको एक राज्य में 2% राहुल गांधी का बढ़ता है तो शर्म आनी चाहिए क्या, 2% राहुल के बढ़ने से शर्म क्यों आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, आप यू डोंट डिजर्व टू बी एन एमपी, आप एक सांसद बनने के कारण नहीं, आप यू विल चूज हुज योर एडवर्सरी, नो पर्सनल कमेंट, आप यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिसाइड, माफ कीजिएगा, शुड बी देयर योर एडवर्सरी, किसी राज्य की अपमान नहीं सहूंगा, मैं कहा कि किसी राज्य का अपमान नहीं सहूंगा, माफ कीजिएगा, मुझे आपको गोवा के प्रति बहुत सम्मान है, मुझे भी है, कोई आस्था नहीं है, गोवा का इन्होंने मजाक कैसे उड़ाया, क्या मजाक उड़ाया, मजाक कैसे बना दिया, मतलब आपका कहीं आपका आंकड़ा कहीं बना है, आप एक एक किसी राज्य में आपका आंकड़ा बना है, मैंने इसलिए आपको सराहना किया है, कैसे बोल, मैंने कोई कम नहीं किया, नहीं नहीं, यू विल हैव टू अपोलोजाइज टू पीपल ऑफ गोवा, आपने क्या सुना, आपको क्या तकलीफ है, मुझे पता नहीं है, आपको रोज इतनी बीके हरिप्रसाद के लिए माफी मांगनी है, 41 vs 40 क्या कह रहा है, 41 vs 40 होगी, 41 vs 40 जीवीएल साहब राज्य में मिली है, क्या उन्होंने 41 vs 40 पूरे देश में तकलीफ मिलेगी तो आप पूरे देश को गाली दोगे, तब तो आप पूरे देश को गाली, भारत की बर्बादी की गाली आप दे रहे हैं, भारत की बदनामी, भारत की बदहालत की दुआ आपके नेता राहुल गांधी दे रहे हैं, वोटर ने आपको, हम देश के पक्ष में गाली देते हो,
आपको वोट के मन में वोटों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। भारत की बर्बादी के नारे लगाने वाले के साथ खड़े दिखना, पाकिस्तान के साथ समझौता करना, वहां जाकर के आर्मी चीफ से गले लगना, राहुल गांधी के दोता के रूप में वहां चले जाना, भारत की आर्मी को गुंडा कहना, ये सब ये बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंटल बड़े राष्ट्रभक्तों के नमूना है ना। जवाब दीजिए, पाकिस्तान से आप मिले हुए हैं। पीएससी में आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धुआंधार बहस आज बात गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा की, अगले सप्ताह फिर होंगे आपके सामने दो और राज्यों की खबर लेकर, वहां के आंकड़ों को लेकर, और फिर देखेंगे लोकप्रियता के पैमाने पर कौन है किधर। देखते रहिए लेटेस्ट खबरों के लिए, यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।